गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। माय नेम इज सचिन यादव, आई एम योर मैथ्स टीचर एंड टुडे वी गोना स्टार्ट क्लास 8 के एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर 8, दैट इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज, एक्सरसाइज 8.1। आज हम इसकी करने वाले हैं स्टूडेंट्स, बट बिफोर दैट हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो इस चैप्टर में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें तीन बेसिक कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझने की जरूरत है व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो। पहला कॉन्सेप्ट है रेशियो, दूसरा हाउ टू कन्वर्ट इन परसेंटेज, यानी एक नंबर को परसेंटेज बनाना हो तो क्या करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पुट होता है व्हाट इफ वी हैव, व्हाट इफ वी हैव ए परसेंटेज गिवन एंड टू मेक इट अ नंबर। अगर एक परसेंटेज गिवन और नंबर बनाना हो तब हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेशियो के कॉन्सेप्ट की। देखिए रेशियो का सीधा सीधा मतलब होता है फ्रैक्शन, मतलब होता है फ्रैक्शन या फिर उसको कंपैरिजन करना। रेशियो इज यूज फॉर कंपैरिजन ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि 5 kg का आप कंपेयर करो, रेशियो को जनरली ऐसे लिखा जाता है 5 kg is to, ये दो डॉट लगा देते हैं, 5 kg is to 500 ग्राम, ऐसा हमें दिया होगा। तो इसका मतलब है 5 kg ऊपर जो पहले लिखा हुआ है और जो नीचे लिखा हुआ है 500 ग्राम, और नीचे। बट दिस इज टोटली रॉन्ग अप्रोच ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन करने के लिए हमेशा बेस जो होता है वो, यानी जो डिपेंड करता है जिस पे आपका कह सकते हैं बेस है आपका, जिस पे आप दोनों खड़े हैं स्टैंड करते हैं, वो सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक टेबल पे खड़ा कर दूं और मैं खुद नीचे खड़ा हूं, तो आपकी हाइट ऑब्वियसली बात है बड़ी लगेगी, बट ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी में हाइट मेरी ज़्यादा है, वो इसलिए क्योंकि आपका बेस जो है वो मेरे से ऊपर है, दैट्स व्हाई आप मेरे से ऊंचे लग रहे हो, बड़े लग रहे हो, लंबे लग रहे हो। तो वही रीज़न है यहाँ पे, जब भी आप बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ लो, मैं समझाना ही चाह रहा हूँ कि जब भी आप रेशियो में किसी दो चीज़ को आपस में कंपेरिजन करोगे तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि उनका जो यूनिट है, बेसिक यूनिट जैसे केजी और ग्राम है यहाँ पे, वो सेम होना चाहिए। चाहे आप इसको केजी में कन्वर्ट कर लो या फिर इसको ग्राम में कर लो, तो मैं दोनों को ग्राम कर रहा हूँ। 5 kg है, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 5000 हो जाएगा, और ये तो ग्राम में है ही, ठीक है। तो अब दोनों ग्राम में हो गए, तो अब इस 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म और 5 10 का, तो रेशियो आ जाएगा 10:1। दैट इज 10:1 का मतलब है कि ये जो है 5 kg वो 10 times है 500 ग्राम का। ये कंपेरिजन का मीनिंग होता है, ठीक है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हमेशा जो पहले लिखा होगा वो ऊपर आएगा और जो बाद में लिखा होगा वो नीचे आएगा, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। दूसरा कि यूनिट सेम होनी चाहिए, कंपेरिजन करते तो दे बोथ थिंग्स का यूनिट जो है वो सेम होना चाहिए। सेकेंड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, हाउ टू कन्वर्ट इन परसेंटेज। तो किसी भी चीज़ को परसेंटेज बनाने के लिए ऑलवेज, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ऑलवेज मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसका एग्जांपल कैसे है, मान लो आपका 370 मार्क्स आए हैं, ठीक है, आउट ऑफ 400, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, जो भी आएगा काट के वो आपका क्या है, अराउंड 92 point something आएगा, वो आपकी परसेंटेज बन जाएगी। तो ये आपने परसेंटेज में कन्वर्ट किया यूजिंग मल्टीप्लाई बाई 100, ये जो ट्रिक थी। थर्ड ट्रिक ये है इसके लिए, थर्ड के लिए ट्रिक है कि अगर आपको परसेंटेज ऑलरेडी गिवन है और नंबर बनाना है, तो आप देख लो क्या करना है। मान लो 70% गिवन है ऑफ 500, तो क्या करेंगे, 70 नीचे, परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 से डिवाइड करेंगे। मैंने लिखा है, नहीं लिखा तो लिख दूंगा कि 100 से डिवाइड करना है, यानी परसेंटेज हटाने के लिए, परसेंटेज को रिड्यूस करने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई 100। तो 100 से आपको मल्टीप्लाई करना है, देन आपको क्या करना है, आपको टोटल टर्म लेनी है जितनी भी आप थी, टोटल से मल्टीप्लाई करें 500 से, 2 जीरो से, ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 7 5 35 और 1 जीरो, यानी 350 मार्क्स जो है आउट ऑफ 500 आर इक्वल टू 70%, ठीक है। तो ऑलवेज क्या करना है आपको, परसेंटेज हटाने के लिए ऑलवेज डिवाइड बाई, यहाँ नीचे हमने डिवाइड किया बाई 100, तो ऑलवेज ट्रिक ये है, ध्यान रखेंगे ये ट्रिक है, लिखना है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ट्रिक, ऑलवेज डिवाइड बाई 100 टू रिड्यूस हटाने के लिए परसेंटेज फॉर्म, परसेंटेज फॉर्म को हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर दीजिए, भाग कर दीजिए, ये आपकी ट्रिक थी। तो ये तीन बेसिकली इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए ट्रिक थी, आगे भी इस चैप्टर में यूज होने वाली स्टूडेंट, तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो, मैं आगे क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस, ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। तो इन कॉन्सेप्ट को नोट जरूर कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, इनकेस कोई डाउट आता है तो लाइव सेशन में पूछ लीजिएगा।
ठीक है। और लाइव क्लासेस में डेली अटेंड हुई है, अगर आप लाइव क्लासेस में नहीं आते तो एग्जाम में आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, तो दैट्स वाई मैं आपको बोला थोड़ा सा लाइव क्लासेस अटेंड कीजिए और रेगुलर रहिए। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अब पहला क्वेश्चन आपकी बुक में है, रीड आउट कर सकते हैं, रीड कीजिए क्या लिखा है उसमें, उसके बाद मैं आपको पहला क्वेश्चन कराऊंगा। फर्स्ट रेशियो से रिलेटेड है, बोला फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। ए बोल रहा है स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे दोनों की यूनिट सेम है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। 15 किलोमीटर है साइकिल की स्पीड, ठीक है, ये साइकिल की स्पीड है, और 30 किलोमीटर जो है पर आवर स्कूटर की स्पीड है, ठीक है, ये स्कूटर की है। तो रेशियो बताना है कि साइकिल जो है वो स्कूटर के कंपैरिजन में कितना चल रही है। 15:10 होता है, 15:30 होता है, ठीक है, तो सीधे 1:2 का रेशियो आएगा, 1:2, यानी कि 1:2। इसका मतलब ये है कि साइकिल जो है वो स्कूटर के मुकाबले, या स्कूटर जो है साइकिल के मुकाबले दुगनी गति से चल रहा है, 2 times स्पीड है स्कूटर की। यानी अगर साइकिल जितना डिस्टेंस कवर करेगी जितने टाइम में, उसका हमेशा स्कूटर जो है वो डबल डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। 1:2 का मतलब ये कि साइकिल जितना भी डिस्टेंस कवर करेगी उसका 2 times ऑलवेज स्कूटर कवर करेगा, ये इसका मीनिंग हुआ, ठीक है। 1:2 का रेशियो का मतलब है कि डबल टाइम है, ठीक है। एक और देखिए आप, सी पार्ट आप देख लो, ए पार्ट तो मैंने आपको कराई दिया, ये पार्ट था, सी पार्ट आप देखो, या आप चलो बी भी देख लो, सारे देख लो, कोई इशू नहीं। बी पार्ट देखो, बी पार्ट बोला है 5 meters to 10 kilometers, 5 meters है भाई, और इसका रेशियो दे रखा है 10 kilometers से। तो आपको मैंने बताया हमेशा जो पहले ऊपर वाला होता है, आगे वाला वो ऊपर आता है 5 meters, नीचे आ जाएगा बाद वाला 10 kilometers। लेकिन आपको पता है मैंने बोला यूनिट सेम होना चाहिए, तो मैं यूनिट को एक ही बना लेता हूँ, 5 meters तो यहीं रहेगा, 10 kilometers को मैं मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 1 meter में, 1 kilometer में 1000 meters होता है, ठीक है। तो ये तो 5 meters ही रहेगा, और ये जो 1000 था ये हो जाएगा 10,000 meters, 5:10 होता है, और ये 3 0 पीछे लग जाएंगे, तो रेशियो आ जाएगा यहाँ पे 1 यहाँ पे, क्योंकि 5 × 5 और 5:10 और 1000 लग जाएगा, तो 1:2000 का रेशियो है ऑफ 5 meters to 10 kilometers का, यानी 10 kilometers 2000 times ज़्यादा है 5 meters से, ठीक है। सी सिमिलरली है 50 paise to 5 paise, अब 50 paise गिवन है टू 5 rupees होगा, आई थिंक यस 5 rupees है, तो ये 50 paisa है और ये 5 rupees है, तो करना कुछ नहीं, रेशियो है बटे में है, आप ऐसे लिख सकते हैं 50 paisa। और कोशिश कीजिए, एक ट्रिक और बता रहा हूँ, हमेशा बड़े वाले को ना छोटे में कन्वर्ट कीजिए, वो ज़्यादा ईजी रहेगा। 5 rupees है, आपको पता है 1 rupee में 100 paise होते हैं, तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पैसे में हो गया और ये भी अब पैसे में हो गया, 50 to 100 होता है, तो नीचे 50 × 50 और नीचे यहाँ पे 2 × 5 = 10 रेशियो आ गया 1:10 का। कहने का मतलब है जो 50 paise है वो 5 rupees का 1 time है, और ये 5 rupees का 10 times है, यही है इसका मीनिंग, ठीक है। यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं आपको लेके चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। ये फर्स्ट के सारे पार्ट थे, मैं सेकंड क्वेश्चन यहाँ करा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन आपको बोल रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू द परसेंटेज। आपको रेशियो दे रखा है 3/4, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, परसेंटेज बनाने के लिए ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, 4 × 25 = 100 होता है, 25 × 2 = 375%, तो परसेंटेज निकल गई। सिमिलरली बी पार्ट भी कर लीजिएगा, ये ए पार्ट था मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया, सिर्फ मल्टीप्लाई करना था 100 से, और जो काट पिट के आएगा वो इसका आंसर। थर्ड आप देख लो, थर्ड बोला 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड। देखो ऑलवेज हमेशा परसेंटेज होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो 100 में से आती है, तो अगर 72% इंटरेस्टेड है तो ऑब्वियसली बात है कि नॉट इंटरेस्टेड जो होंगे वो 100 में से घटा के मिलेंगे, ठीक है। नॉट इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स की संख्या ऐसे निकलेगी, 100 में से आप माइनस कर दो 72 को, दैट इज 28% स्टूडेंट जो है वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे, तो उनकी संख्या निकालनी है। बोला हाउ मेनी नॉट इंटरेस्टेड, 28 रखो ऊपर, नीचे 100, और परसेंटेज हटाने के लिए मैंने आपको बताया 100 से डिवाइड करते हो, तो इसलिए हमने 100 यहाँ नीचे रखा है, और कितने स्टूडेंट का, 25 स्टूडेंट का, तो 25 अगेन में 25 स्टूडेंट का, इसलिए 25 से मल्टीप्लाई किया, 25 × 4 = 4, 7 = यानी 7 स्टूडेंट जो थे वो इंटरेस्टेड नहीं थे मैथमेटिक्स पढ़ने में, रिमेनिंग आर इंटरेस्टेड, 18 स्टूडेंट जो हैं वो इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है। फोर्थ इसी तरीके से आप देख लो, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ आपको, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, और मैं इसको रब करने वाला हूँ अब, ठीक है। आई होप अब तक आपने नोट कर लिया होगा, तो फोर्थ क्वेश्चन आप देख लीजिए।
फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ बोला फुटबॉल टीम वन करती है 10 मैचेस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड, इफ द देयर वन विन परसेंटेज वाज 40 देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। अगर उनका विन परसेंटेज 40 था यानी 40% विन किया था उन्होंने, पहले तो देखो टोटल मैचेस कितने हुए हैं, टोटल मैचेस बोला है इसमें बताया नहीं बताया, बस जीतने का विनिंग बोला है। टोटल मैचेस हमें नहीं पता कितना, हम एक्स मान लेंगे, टोटल मैचेस हमने लेट कर लिया, लेट टोटल मैचेस भी एक्स, एक्स मैचेस होंगे। वन वन मैचेस कितने हैं इसके जीते हुए, विनिंग मैचेस 10, 10 मैच जीते हैं ठीक है, और विन का जो परसेंटेज है या वन का जो परसेंटेज है, विन या वन जो भी आप कह लो परसेंटेज है, वो है 40% ठीक है। अब देखो अब कैसे निकलेगा, हमें गिवन है कि 40% मैचेज जो हैं उन्होंने जीते हैं, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 आएगा ठीक है, विनिंग मैचेस की संख्या निकाल रहे हैं हम, तो संख्या में ऑलरेडी गिवन है, नंबर गिवन है, 40 मैचेस 40% मैचेस उन्होंने जीते हैं तो 40 परसेंटेज हटाएंगे, क्योंकि 40% मैचेस जीते हैं परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100, और कितने के 40 हमने एक्स लेट किया है कि टोटल मैचेस एक्स हैं, तो एक्स के 40% हम निकालेंगे, और वो कितने के बराबर दे रखा है 10 मैचेस दे रखे हैं कि 10 मैचेस विन किए, तो भाई 40% मैचेस जीते हैं और वो इक्वल टू 10 मैचेस के, तो 40 अपॉन में 100 परसेंटेज हटाने के लिए इनटू जितने भी मैचेस टोटल खेले थे उसके 40%, इसलिए 40 अपॉन 100, और उनकी संख्या गिवन है हमें कि 10 मैचेस जीते हैं, भाई यही जीते हुए मैचेस हैं और यही इसकी परसेंटेज है, तो इक्वल टू में आ जाएगा ना दोनों, जीते हुए मैचेस की परसेंटेज इक्वल टू मैचेस की संख्या, तो आपको करना कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, एक्स यहीं छोड़ना है, 10 यहां आएगा, 100 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा और 40 नीचे आ जाएगा, अगर आप काटेंगे तो 4 से काटेंगे 25, यानी टोटल एक्स जो है वो 25 मैचेस इन्होंने खेले थे, उसमें से 10 मैचेस इन्होंने जीते थे जो कि 10 मैचेस इन्होंने जीते थे जो कि 40% के इक्वल थे ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन कराने वाला हूँ मैं, लास्ट क्वेश्चन है, आप फिफ्थ खुद ट्राई करेंगे, सिक्स क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है मैं कराने वाला हूँ। बोला एक ध्यान से देखेंगे, बोला कि इफ 60% पीपल इन द सिटी लाइक क्रिकेट, 30% लाइक फुटबॉल एंड रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स, देन व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम्स, कितने परसेंट लोग जो है वो अदर गेम्स को लाइक करते हैं, और ये भी बताना है कि इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50 लाख, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम, सबका ये भी बताना है कि कौन कितना कितना लाइक करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई 60% जो लोग हैं पीपल सिटी में लाइक करते हैं क्रिकेट को, 30% फुटबॉल को, तो 90% तो यही खत्म हो गए, यानी केवल 10% है 100 में से, 90 आप घटा दो क्रिकेट और फुटबॉल वाले जोड़ के, 60% क्रिकेट वाले और प्लस में 30% फुटबॉल वाले, ये तो घटा ही दो आप, घटाने पे आपके 10% लोग निकले हैं वो जो हैं वो लाइक करते हैं किसको, अदर गेम्स को, तो ये अदर गेम्स वाले निकल गए, अदर कैसे निकलेंगे, क्रिकेट और फुटबॉल को हटा के, तो ये आगे 10% लोग अदर गेम्स को लाइक करते हैं, तो 10 अपॉन में टोटल 100 परसेंटेज हटाने के लिए आपको पता है परसेंटेज निकला ना, ये 10% लोग लाइक करते हैं, तो 10 अपॉन में परसेंटेज हटाने के लिए 100, और कितने के 50 लाख लोगों के ठीक है। पहले तो बोला व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक द अदर गेम, 10% लोग अदर गेम को लाइक करते हैं, पहला क्वेश्चन तो यहीं खत्म। दूसरा हम एक एक करके सबकी परसेंटेज निकाल लेते हैं, ये 10% अदर के लिए, 30% फुटबॉल के लिए, फुटबॉल के लिए एफ, अदर के लिए ओ कर दिया मैंने, और क्रिकेट के लिए सी कर दिया मैंने ठीक है, ये अदर के लिए, और 60% लाइक करते हैं क्रिकेट, तो सबके नीचे आपको परसेंटेज हटाने के लिए 100 करना पड़ेगा, और 50 लाख का, तो ये लाख है याद रखना, 50 लाख ठीक है। इस तरीके से करना कुछ नहीं है, एक जीरो से ये कटा, एक जीरो से ये, दो जीरो खत्म हो गए, 5 3 15, 15 लाख पीपल लाइक करते हैं फुटबॉल को, एक जीरो से ये, एक जीरो से ये, 5 लाख पीपल जो हैं वो लाइक करते हैं 10% अदर गेम्स को, 10% यानी 5 लाख, 50 का वैसे भी 10% आपको पता है 5 लाख ही होगा, तो 5 लाख अदर को लाइक करते हैं, 30% यानी कि 15 लाख जो है वो फुटबॉल को, और रिमेनिंग जितने भी हैं चाहे तो आप संख्या घटा लो या फिर आप डायरेक्टली निकालो, 5 से ये 6 5 से 30 लाख जो हैं वो लाइक करते हैं क्रिकेट को, और टोटल अगर आप जोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिकली 50 लाख आ जाएगा, तो हमारा आंसर उस तरीके से भी सही है। आई होप आपको वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, कोई डाउट हो कोई प्रॉब्लम हो तो लाइव क्लासेस में जरूर पूछिएगा, जितने भी क्वेश्चन आपको सभी ट्राई करते हैं इंक्लूडिंग एग्जांपल ऑल्सो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव गुड डे।